खबर शामिल करते हैं चौक सरवर शहीद से। टीएचक्यू चौक सरवर शहीद में तैनात चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शफीकुर रहमान शेख का कहना है कि बारिशों और सैलाब की वजह से बच्चों में डायरिया पीला यरकान में शदीद इजाफा हो चुका है। वालदैन बच्चों की हिफाजत पर खसूसी तवज्जो दें, खाना खाने से पहले बच्चों को हाथ धुलवाएं और ORS का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, मक्खी मच्छर से भी बचें। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मिर्ज़ा शहजाद बेग से। जी शहजाद, मजीद अपडेट कीजिएगा इसी हवाले से। जी, जैसा कि मौसम हर आदमी पर असरअंदाज होता है, लेकिन बच्चों पर मौसम के असरात ज़्यादा होते हैं। आजकल बारिशों के मौसम की वजह से बच्चों में बहुत सारी बीमारियां फूट रही हैं और इनसे हिफाजती तदाबीर कैसे अख्तियार की जा सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब, जो कि THQ अस्पताल सर्व शहीद में अपने ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसी वाले से इनसे बात करते हैं कि आजकल बच्चों में कौन सी बीमारियाँ आम हैं और उनसे हिफाजती तदाबीर कैसे अख्तियार की जा सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर शफीकुर रहमान है। मैं यहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैं डेली के अपना यहाँ पे कोई 150 से 200 के लगभग बच्चे चेक कर रहा हूँ, और जिसमें से ज़्यादातर जो तकरीबन 70% बच्चे जो हमारे पास आ रहे हैं वो डायरिया के साथ आ रहे हैं, लूज़ मोशन के साथ, दस्त और इसहाल के साथ आ रहे हैं। वो अपना तकरीबन इसके अलावा जो है ना अपना टाइफाइड के बच्चे आए हैं हमारे पास यहाँ पे, एक्यूट हेपेटाइटिस के हैं, पीले जरकान के बच्चे ज़्यादातर आ रहे हैं यहाँ पे। और ये जो बारिशें हुई हैं, हालिया बारिशें हैं, और उसकी वजह से जगह जगह पे पानी भी खड़ा हुआ है, और पानी की वजह से मक्खियाँ मच्छर उनकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं बच्चों में। बाल बच्चों में जल्द की बीमारियाँ भी हैं यहाँ पर, और इनको कंट्रोल करने के लिए जो है ना पूरी कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को भी वालदैन को भी समझा रहे हैं कि जो ना आप लोग सफाई का ख़ास ख्याल रखें, जगह जगह पर जहाँ पे पानी है पानी का उनको अपना सीवरेज का कोई बंदोबस्त करें, इनको इंतज़ामिया को बताएं ताकि ये मक्खियाँ वगैरह हैं मच्छर हैं ये ना ज़्यादा बीमारियाँ स्प्रेड करें, और आप लोग भी अपना ख्याल करें ताकि जो है ना अपना ये डायरिया का जो है अपना वबा कम से कम हो। उसमें से थोड़ा चंद एक एहतियात ये करनी है कि अपना जब भी बच्चों को खाना खिलाएं अपने हाथ अच्छे तरीके से धोएं, खाना खाने के बाद अपने हाथ अच्छे तरीके से धोएं, वाशरूम से पहले अपना और बाद में, और साथ में जो है ना दूसरा जो है अपने वैक्सीनेशन पे ज़्यादा तवज्जो करनी है बच्चों के। जैसे आजकल पोलियो कैंपेन चल रहा है, इस दौरान अपना पोलियो कतरे भी पिलाएँ, और बाकी जो रूटीन की EPI की इम्यूनाइजेशन है वो भी अपने बच्चों को करें। स्पेशलिस्ट डॉक्टर शफीकुर रहमान शेख ने कहा कि आजकल मक्खी मच्छरों की वजह से डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अपने माहौल को साफ रखें, बच्चों को हाथ धुलाएं, सफाई का खास ख्याल रखें। जी, खबर शामिल करते हैं बिहारी से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना साहूका की हदूद में चोर डाकू बेलगाम, पुलिस डाकू और चोरों को पकड़ने में बुरी तरह नाकाम। एक ही रात में चोरों ने 315 EB में आग मचा दी। इतला के बावजूद पुलिस थाना साहूका का मुकदमा दर्ज करने से भी इनकार। पुलिस का नारवा रवैया काबिल अफसोस है। एक माह में कई वारदातें हो चुकी हैं, मगर पुलिस थाना साहू का खामोश तमाशाई बनी हुई है। इलाका मकीनों ने DPO बिहाड़ी राणा शाहिद परवेज, DSP बोरेवाला मार मोहम्मद वसीम से गुजारिश की है कि हमारी FIR फौरी दर्ज की जाए और ना अहल SHO थाना साहू का को फौरी मुअत्तल किया जाए।